है, जो दूसरे की स्त्रियों से भोग करता है, और जो मदिरा पान करता है, जो जुआ खेलता है, और जो दूसरे जीवों का मांस खाता है, इन चार का विनाश निश्चित है। स्त्री उक्षा मृगया पान में तत् काम समुत्थितम दुखम चतुष्टयम प्रोक्तम येर नरो भ्रष्यते श्रिया। फिर ध्यान से सुन लो, ये खिलवाड़ मत समझो, मनोरंजन मत समझो। गृहस्थ धर्म में जो ब्याह होता है तो एक पत्नी बस, वही तुम्हारे संतान उत्पत्ति रूपी पूजा के लिए विधान किया गया है। ये जो परिस्त्री गमन है ये विनाश का कारण है। आप कितने सामर्थ्यशाली हैं पता नहीं, पर हम सामर्थ्यशालियों की बात बताते हैं, जिन्होंने ऐसा करने की चेष्टा की उनका सर्वनाश हो गया। स्त्री शरीर में केवल काम भाव आपको अपनी पत्नी से अगर किसी दूसरी स्त्री से किया तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे, आपके साथ ऐसी दरिद्रतामयी ऐसी विपत्तिमयी लीलाएं प्रारंभ होगी कि आगे चलकर आपका सर्वनाश हो जाएगा। व्यभिचारी बहुत दुर्गति को प्राप्त होता है। एक पत्नी व्रत का शास्त्र ने आदेश किया है, या जो राजा लोग हुए हैं उन्होंने वर्ण किया, धर्म संगत वर्ण किया है। लेकिन जो दूसरे की पत्नी के साथ व्यभिचार या दूसरे पति के साथ, बहुत सावधान। पति वंचक परपति रति करई रौरव नरक कल्प सत परई। ये इसे मनोरंजन मत माना जाए, इसे खिलवाड़ मत माना जाए, इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मत माना जाए कि दूसरे की बहन बेटियों को हम अपने भाव से फंसा कर गंदे आचरण। दुर्गति पक्की, व्यभिचारी की कभी शुभ गति नहीं होती। और जो द्वित कीड़ा कर जुआ खेलने वाला, और जो दूसरों का मांस खाने वाला, और शराब पीने वाला, ये चार प्रकार के जो वृत्ति धारण कर लेता है उसका सर्वनाश निश्चित है।